हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। बायोलॉजी लेसन नंबर 2, नर एवं मादा युग्मकोद्भिद में मादा युग्मकोद्भिद की हम शुरुआत करने वाले हैं। उससे पहले हम मादा युग्मकोद्भिद में आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है अंडक, उसके बाद गुरु बीजाणु धानी या बीजांड। अंडक या कार्पल की संरचना हम शुरुआत में थोड़ा बहुत देख चुके हैं। इसमें ये जो झालरदार भाग होता है इसका ऊपरी, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र, जो पराग कणों को ग्रहण करता है। ये जो नलिका रूपी संरचना है इसको हम वर्तिका बोलते हैं, और ये जो फूली हुई फ्लास्क नुमा संरचना है इसको हम अंडाशय या ओवरी बोलते हैं। इसी के अंदर एक संरचना और होती है जिसको हम बीजांड या गुरु बीजाणुधानी या ओव्यूल कहते हैं। ओव्यूल ये हो गया ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। तो ये तो हो गई बच्चों अंडक की संरचना। अब हम अंडक की संरचना में जो मुख्य इसका अंदर जो गुरु बीजाणुधानी है उसकी संरचना की बात करेंगे। ये अंडक यानी कि जो मादा का जननांग है कार्पल, उसकी संरचना में तीन भाग होते हैं। मुख्य भाग अंडाशय है, इसके अंदर गुरु बीजाणुधानी या बीजांड का निर्माण होता है। तो ये जो इसकी अगर अपन इसकी संरचना हम देखना चाहें तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। इसमें जो अंडक का मुख्य भाग होता है, अंडक का जो मुख्य भाग होता है उसको कहते हैं हम ये अंडक का मुख्य भाग है, अंडक का जो मुख्य भाग है इसको अपन कहते हैं बीजांड काय, बीजांड काय। तो ये हो गया बीजांड काय। इसके चारों तरफ कोशिकाएं होती हैं, तो ये हो गया बीजांड काय। बीजांड काय के अंदर जो ये संरचना हमको दिखाई दे रही है ये इसको बोलते हैं भ्रूण कोश, एम्ब्रियो सैक, भ्रूण कोश हो गया ये। इसके बाहर की तरफ आवरण पाया जाता है, दो आवरण होते हैं प्राय, किसी में तीन भी होते हैं, जैसे लीची में तीन होते हैं, बाकी प्राय दो आवरण होते हैं। और ये जो दो आवरण हैं इनको हम बोलते हैं अध्यावरण। एक आवरण ये आवरण पीछे की तरफ अधूरा होता है, पहला आवरण। तो ये तो हो गया, ये दोनों हो गए, ये वाला और ये दोनों को हम मिलाकर बोलते हैं अध्यावरण। एक बाह्य अध्यावरण, एक बाह्य अध्यावरण होता है और एक आंतरिक अध्यावरण। तो ये दोनों हो गए अध्यावरण। ये जो अध्यावरण है इसका जो अगला भाग है, ये जो बीजांड का अगला भाग है इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इस पर अध्यावरण नहीं पाए जाते हैं, इसको हम बोलते हैं बीजांड द्वार। जो अध्यावरण से ढका हुआ नहीं होता है इसका अग्रभाग, उसको बीजांड द्वार कहते हैं। जबकि बीजांड द्वार के ठीक पीछे वाला ये जो भाग है इसको निभाग कहते हैं,
बीजाणु जिस तंतुनुमा संरचना के द्वारा, ये देख रहे हैं बीजाणु जो तंतुनुमा संरचना है इसके द्वारा जुड़ा होता है ये अंडाशय से। तो ये जो संरचना है ये वाली जिसकी सहायता से अंडाशय से जुड़ता है इसको बोलते हैं हम बीजाणु ग्रंथ। बीजाणु ग्रंथ, और ये बीजाणु ग्रंथ जिस स्थान से बीजाणु से जुड़ता है ये वाला स्थान इसको बोलते हैं नाभिका। क्या बोलते हैं? नाभिका। ये जो बीजाणु है इसमें हमने देखा कि इसका मुख्य भाग क्या कहला रहा है, इसका मुख्य भाग कहला रहा है बीजाणु काय। अब बीजाणु काय के अंदर की तरफ कौन है? भ्रूण कोश है, और बाहर दो अध्यावरण है, एक तो बाह्य अध्यावरण और एक आंतरिक अध्यावरण। इसका जो अगला भाग है जहाँ ये सकरा भाग दिखाई दे रहा है जिसमें कोई इस पर अध्यावरण नहीं पाए जाते इसको बोलते हैं बीजाणु द्वार, और इसका पीछे वाला भाग जो है वो निभाग कहलाता है। इसका जो भ्रूण कोष है, भ्रूण कोष के अंदर क्या है, ऊपरी जो निभाग है वहां की तरफ तीन कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं को सम्मिलित रूप से कहते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं या प्रतिव्यासांत कोशिकाएं भी इनको हम कह सकते हैं। इसका जो बीजाणु द्वार वाला भाग है यहां पर भी तीन कोशिकाएं होती हैं और इन्हें सम्मिलित रूप से कहते हैं अंड समुच्चय। अंड समुच्चय कहते हैं, इसमें एक तो होती है अंड कोशिका और दो होती है सहायक कोशिकाएं। तो ये हो गया अंड समुच्चय जिसमें दो कोशिकाएं तो सहायक कोशिकाएं होती हैं, एक कोशिका अंड कोशिका होती है। इसके बिल्कुल मध्य में दो ध्रुवीय काय कोशिकाएं आपस में जुड़ जाती हैं, ये ध्रुवीय काय कोशिकाएं हैं जो बाद में द्वितीय केंद्रक बनाने वाली हैं, इन्हें बोलते हैं अपन ध्रुवीय कोशिकाएं। यही कोशिकाएं बाद में द्वितीय केंद्रक का निर्माण कर लेती हैं। तो इस प्रकार से ये जो संरचना बनी बच्चों, इस संरचना को बोलते हैं अपन, ये संरचना है बीजाणु की। ठीक है, तो बीजाणु जो है वो अंडाशय में पाई जाने वाली संरचना है जिसको अपन गुरु बीजाणु धानी भी कहते हैं। और गुरु बीजाणु धानी का जो विकास अपन देखें कि जैसे लघु बीजाणु धानी में चार लघु बीजाणु बनते हैं, यहां पर भी चार गुरु बीजाणु बनते हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के द्वारा, लेकिन तीन गुरु बीजाणु जो है वो अपहासित हो जाते हैं, केवल एक ही गुरु बीजाणु सक्रिय रहता है और वो विकसित होकर जो एक गुरु बीजाणु है वो विकसित होकर जो भ्रूण कोश है या एम्ब्रियो सैक है उसका निर्माण कर लेता है। तो वो एक ही गुरु बीजाणु जो है ये गुरु बीजाणु धानी के अंदर विकसित होता है, भ्रूण कोश का निर्माण कर लेता है। तो इस प्रकार से ये गुरु बीजाणु धानी या बीजाणु की संरचना है। उम्मीद है आपको ये समझ में आई होगी, इसको आप अच्छी तरह से ड्रॉ करके और इसको समझ सकते हैं। दोबारा अपन इसको देखना चाहें तो ये अंडक है, मादा जननांग है, मादा जननांग का काम करता है अंडक, और ये जब अकेला है तो इसको अंडक कहेंगे अपन, ठीक है, या जब ये संयुक्त रूप से बहुत सारे होते हैं तो इनको अपन जायांग की परिभाषा भी दे सकते हैं। अंडक जो है उसकी जगह हम जायांग या गायनोसियम सब भी काम में ले सकते हैं जब एक से ज्यादा अंडक पाए जाते हैं। अकेला होता है अंडक, अलग अलग होते हैं बहुत सारे हैं तो पृथक अंडपी, और जुड़े हुए हैं तो संयुक्त अंडपी हम उनको कह सकते हैं। अंडकों की संख्या के आधार पर ये एक अंडपी, द्वि अंडपी, त्रि अंडपी, चतुर अंडपी, पंच अंडपी, बहु अंडपी भी हो सकते हैं। अंडक की संरचना
तीन भाग हैं। इसका मुख्य भाग अंडाशय है जो कि फ्लास्क नुमा संरचना में होता है, ये फूला हुआ भाग है, इसके अंदर बीजांड या गुरु बीजाणु धानी का विकास होता है। इसका जो एक पतला नलिका रूपी भाग है जिसको वर्तिका कहते हैं, वर्तिका का मुख्य काम होता है वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ना। वर्तिकाग्र इसकी जो है वो झालर नुमा संरचना है और ये पराग कणों को अपने ऊपर ग्रहण करने का काम करती है। अंडाशय की अनुप्रस्थ काट जब अपन काटते हैं तो इसमें बीजांड नजर आते हैं और बीजांड यहाँ पर अपन को दिखाए गए हैं, ये बीजांड की संरचना है जिसमें इसका मुख्य भाग बीजांड काय कहलाता है। इसके चारों तरफ दो आवरण होते हैं जिनको अध्यावरण कहते हैं, बाहरी अध्यावरण और आंतरिक अध्यावरण। अंदर की तरफ भ्रूण कोश है, भ्रूण कोश में तीन कोशिकाएं ऊपर की तरफ प्रतिमुखी कोशिकाएं, तीन कोशिकाएं नीचे की तरफ अंड समुच्चय कोशिकाएं, ये दो कोशिकाएं बीच में ध्रुवीय कोशिकाएं, यानी कि इसमें कुल आठ कोशिकाएं हैं जो बाद में ये दो कोशिकाओं के जुड़ने से सात कोशिकाएं रह जाती हैं, लेकिन केंद्रक आठ ही रहते हैं। इसके जो अग्रभाग है जहां पर अध्यावरण नहीं पाए जाते उसको बीजांड द्वार कहते हैं और यहीं से पराग नलिका प्राय प्रवेश करती है अंदर। इसका जो पश्च भाग है जो कि बीजांड द्वार के ठीक पीछे है उसको निभाग कहते हैं, चौड़ा भाग होता है और वह तंतुनुमा संरचना जिसकी सहायता से बीजांड अंडाशय की भित्ति से जुड़ा होता है उसको अपन बीजांड व्रंथ कहते हैं। बीजांड व्रंथ बीजांड के जिस भाग से जुड़ता है उसको नाभिका कहते हैं, जबकि ये अंडाशय के जिस भाग से जुड़ेगा यानी ये वाला भाग इसको अपन बोलते हैं बीजांड आसन। यानी बीजांड का अंडाशय की भित्ति से जुड़ने वाला स्थान। तो ये बीजांड की संरचना है, इसके अच्छे तरह से प्रैक्टिस कीजिए और जब तक ऑफलाइन क्लासेस नहीं होती है घर में ही सुरक्षित रहते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। बी सेफ, स्टे होम।